हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। तो हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, इस वक्त वो भी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है गाइज, इसी पर हम आज रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं। ओके, ये सभी जोडियक साइंस स्टार साइंस के लिए होने वाली है रीडिंग, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके गाइस, जब तक हम कार्ड शफल करेंगे आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करके रखना है। ओके गाइस, आई कैन से माइकल, आई कैन से मैटाडोन, आई कैन से गैब्रियल, आई कैन से यूरियल, आई कैन से चैनफुल। प्लीज़ हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, जो भी गाइडेंस है प्लीज़ वो हमें बताइएगा। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कॉइंस, जस्टिस, द वर्ल्ड। वाव, देर से कदर आई लेकिन आपको आपके पार्टनर की कदर आ गई है, या कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर को आपकी कदर महसूस हो गई है। ऊपर वाला करे, आपकी लाइफ में इतनी खुशियां आ जाए ना, बहुत सारी, और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, या जो लोग भी कमिटमेंट देते हैं, या जो लोग इस चैनल तक नहीं पहुँच पाते दुनिया में कहीं पर भी, सभी लोगों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि ऊपर वाला सभी को इतनी खुशियाँ दे। जो भी दुख तकलीफ परेशानी है ना जो चल रही है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और किसी के ऊपर कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं आए। ये प्रकृति का नियम होता है कि सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऊपर वाला सभी को बहुत सारी खुशियां दे। नेगेटिविटी, तकलीफ, दुख, परेशानियां, दुख, बीमारियां सभी की लाइफ से चले जाएँ हमेशा के लिए। द मैजिशियन, ऊपर वाला सभी की लाइफ में ना जादूगर दे। जितने भी बीमार हैं आप लोग भी दुआ किया कीजिए कि जितने भी बीमार हैं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र दे गाइस, क्योंकि दुआएं ना गाइस बड़ा काम करती हैं। आप लोग को भी महसूस होता होगा कि दुआएं बहुत काम करती हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हेरोफेंट, ठीक है, ऊपर वाला सभी का भला करे, सभी को खुशियां दे बहुत सारी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किसी ने यहाँ पे मूव ऑन करने की सोची है क्या, प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बॉटम में, आपके पार्टनर और आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं। ऊपर वाला कहते जल्दी ही पॉजिटिव चीजें सारी हो जाएं। अब ऊपर वाला आपके सब्र का इम्तिहान नहीं ले, क्योंकि आपने काफी देर, काफी टाइम सब्र कर लिया। कुछ लोग तो हैं काफ़ी सालों से सब्र करके बैठे हुए हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ऊपर वाला जल्दी ही सभी को अपने पार्टनर से मिला दें, थर्ड पार्टी सभी की लाइफ से चली जाए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, जो हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जिससे आपको ऐसा लगा था कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है ना, और मेरा पार्टनर अब मुझे नहीं चाहता है, उसको मुझे हासिल करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है अब मेरे पार्टनर को। लेकिन अब आपके पार्टनर के दिल में फुल मून के ऊपर शायद उनकी एनर्जीज चेंज हुई हैं, या फिर कहीं से वो कुछ उनको ऐसी चीज़ पता चली है आपकी पॉजिटिविटी, कुछ तो ऐसा हुआ है कि अब अगर आप एफर्ट्स नहीं भी डालेंगे इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे, आपको हासिल करने की पूरी वो कोशिश करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतनी दूरियाँ बना ली हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए मैंने इसे पूछा था कि क्या किसी ने मूव ऑन करने का सोचा है। तो अब आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे आपको हासिल करने के। फोर ऑफ कॉइंस, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर क्यों हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि वो खो रहे हैं आपको, अब आपको वापस संभाल के रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, वो अपने दिल के नज़दीक रखना चाहते हैं जो फीलिंग्स पहले थी ना। यहाँ पे बहुत सारी गोल्डन बटरफ्लाइज हैं, तो जो
फीलिंग्स आपके लिए उनके दिल में थी पहले जब आप लोग मिले होंगे, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव सारी चीज़ें, प्यार बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें वो इस रिश्ते में वापस लेकर आना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से आपको आपके पार्टनर मनाएंगे भी, वो आपको पिछली बातें याद दिलाएंगे, देखो हम लोग ऐसा करते थे ना, आपको याद नहीं भी होंगे तो वो जानबूझ के याद दिलाएंगे ताकि आपके दिल में भी वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हों। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब उनको समझ आ गया है कि उन्हें अब जस्टिस करना है। ऊपर वाला खुद भी जस्टिस कर रहा है अभी। आपके पार्टनर क्या करेंगे जस्टिस? ऊपर वाला जस्टिस कर रहा है इस वक्त, तभी उनके दिल के अंदर आपके लिए खोने का डर पैदा कर रहा है, आपको हासिल करने की इच्छा पैदा कर रहा है। ऊपर वाला है सब कुछ, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। हम सिर्फ बंदे हैं उसके, हम सिर्फ मांग सकते हैं उससे, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को सही करने की, प्रे कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं ज़्यादा। द वर्ल्ड, यहाँ पे किसी ने व्हाइट या मल्टी कलर का ड्रेस फिर से पहना हुआ है, और जो भी है ना बड़ा प्यारा लग रहा है, या फिर व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, या तो कुर्ती पहनी हुई है, या अगर आप फीमेल हैं तो आपने कुछ नेट का व्हाइट कलर का कुछ टॉप वगैरह या टी शर्ट वगैरह में कुछ डिज़ाइन हो सकता है। अगर मेल हैं तो व्हाइट कलर की या व्हाइट कलर के ऊपर कुछ प्रिंट हुए हुए हैं मल्टी कलर के, इस तरीके का जो भी कुछ पहना है आपने अपना फेवरेट पहना है आज, ये तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी विशेष थी, जो भी आपको ऐसी चीज़ें थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, एक अधूरापन सा था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर वाला सुन रहा है। जस्टिस हर तरीके से आया आपके पार्टनर के साथ भी, और आपकी पूरी पर्सनल ओवरऑल आपकी जो पूरी लाइफ है ना गाइस, जितनी भी उसके अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें ऊपर वाला देगा, एक जादू की छड़ी घुमा देगा ऊपर वाला, द मैजिशियन। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आज मुझे आपके पार्टनर की कम ऊपर वाले से ये लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ जादू करने वाला है, कुछ अच्छा हो जाएगा बहुत जल्दी। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि वो भी अब आपको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने ऑरेंज या रेड कलर पहना हो तो भी बताना। एस ऑफ सॉर्ट्स है, अब आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में कोई भी आएगा वो उससे आर्ग्यूमेंट करने के पूरे मूड में है। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर नज़र भी बना के रखी हुई है। आप कहीं भी जाते होंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, वो छुप के आपको देखते हैं, क्योंकि अब वो नेगेटिव एनर्जीज़ को इस रिश्ते में दूर करना चाहते हैं, सारी चीज़ें खुद पॉजिटिव करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो जो भी आप दोनों के बीच में आएगा, टाइम आने पे आपके पार्टनर खुद उसको ख़त्म कर देंगे, खुद आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। जो भी चीज़ें हैं, जो भी दूरियाँ हैं, वो आपके पार्टनर खुद ख़त्म करेंगे आने वाले टाइम में। बहुत जल्दी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, तो अपना सब्र ख़त्म मत कीजिएगा, बहुत अच्छा सोचते रहिएगा। ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर ध्यान देते रहें, सेल्फ लव करना सीखें, सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।